गुड आफ्टरनून सो होप्सोगाइज आप बढ़िया होंगे सुरक्षित होंगे मजे में होंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जैसा कि आप जानते हैं लगातार कॉन्टिन्यू साल का जैसे ही ये 2021 जब आया था तो आई थिंक सो कुछ अच्छे दिन कहीं ना कहीं बाकी मुझे पता नहीं कैसे आते हैं लेकिन इस फॉर्म में एग्रीकल्चर की जो वैकेंसीज हैं वो लगातार कॉन्टिन्यू आपके लिए आ रही हैं है ना तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एग्रीकल्चर में वैकेंसीज का लगातार आना तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा सबसे पहले एफ सी ए की वैकेंसी आई थी उसके बाद अगर हम बात करें तो नाबार्ड आ गया था नाबार्ड के बाद देखें तो आर आर बी एस ओ आर आर बी एस ओ के बाद अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और उसके बाद अभी रिसेंट आपका हरियाणा एडीओ के लिए भी वैकेंसी आई थी और हरियाणा एडीओ के तुरंत बाद आपके सामने एक एन और एन के बाद फिर हमारा आई बी तो ऐसा है कि वैकेंसीज लगातार आती जा रही है हाँ ये मानता हूं कि वैकेंसीज कम है कई कभी पंद्रह भी है कभी पच्चीस भी है कभी दस है कभी सो है लेकिन ये है कि रेगुलर वैकेंसीज का ट्रेंड आना वो कहीं ना कहीं एक ये सिद्ध करता है एक साबित करता है कि अगर हम एक जॉब में लग जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कि हाँ हम किसी दूसरी जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक जॉब में सिलेक्ट तो हो एक जॉब हमें मिले तो सही तो सबसे पहले सभी को सत्याकाल राम राम कैम्सो गुड आफ्टरनून है ना जी सभी को बहुत 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 बहुत, 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 बहुत गुड आफ्टरनून राम राम जी चलिए तो गाइज अभी आपका जो सिलेबस है इसके जो आपका रिलेटेड वैकेंसीज में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपका जो है इसके अंदर क्या सिलेक्शन का प्रोसेसर रहेगा वो आपका ये सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे अरे वाह अभी स्टार्ट नहीं हुई वीडियो उससे पहले तीन डिसलाइक किस चीज के थे ये तो बता दो अच्छा वैकेंसीज़ को बताना नहीं चाहिए क्या सभी को डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए ना वो भी है सही बात है सभी वरना वो दिक्कतें हो जाती है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए सो देट ना अरे यार सत्तर अस्सी बच्चे देख रहे हो लाइक अभी ट्वेंटी टू है क्या आप कर रहे हो यार दो तीन बच्चे चलो लाइक डिसलाइक वाले भी आ गए वो भी अच्छी बात है अभी तो करो है ना मौज में हो सब चले भाई बढ़िया तो आपका एन एफ एल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, की वैकेंसी आई है आप सब लोग जानते होंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि जो मेनली इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए है, है ना और इसकी अगर हम बात करें <coughs> तो वैकेंसी वैसे तो अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग की जूनियर इंजीनियरिंग है ना उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड वन लोकल आ, लोको अटेंडेंट या फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जूनियर इंजीनियरिंग अगेन और लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे नीचे है ना आपको यहां पर जो वैकेंसी दिखेगी मार्केटिंग डिवीजन के अंदर में वहां पर एक वैकेंसी दिखेगी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव किसकी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ठीक है चलो ये यहां पर अगर हम बात करें तो मार्केटिंग जो रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट होती है इसमें आपका क्या है किसके लिए है क्योंकि मेनली अगर एग्रीकल्चर वालों के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इस चीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर यहाँ की जो आपका एग्रीकल्चर वाले हैं वो इसी वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पंद्रह है नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है डियर यानी कि ये है कि कंपटीशन काफी हार्ड होने वाला है है ना लेकिन ये है कि डेफिनेटली हम अगर आपकी मेहनत आपकी जारी है मेहनत अगर हमने की हुई है तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है बोलोगे कैसे सर ये बहुत इजी हो सकता है अगर आपके पास मेहनत है अगर मेहनत नहीं है तो दिक्कत आपको हो सकती है अभी आपने स्टार्टअप करना है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन अगर आपने हार्डवर्क किया हुआ है आपके पास कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है क्योंकि वैकेंसी जो है पे स्केल अगर देखा जाए तो टू सेवन पोस्ट है बाकी आपके कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है इसमें अगर देखा जाए तो अभी क्या क्या सिलेबस रहेगा कैसे इसके अंदर सिलेक्शन होगा ये चीजें देखना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर सबसे पहले तो कट ऑफ डेट यानी कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है या फिर जो एज आपका मांगा गया है ये दोनों चीजें ही कंप्लीट होनी चाहिए थर्टी सेप्टेंबर 2021, 2021 तक हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनका अभी एक बाकी है, तो वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट है। अनाउंस हो चुका है मार्कशीट नहीं मिली है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है आप पास हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है दूसरी बात अगर देखी जाए तो इसके अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है देखो डियर वन जिनके पास आपका यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर है जिन लोगों के पास बी टेक एग्रीकल्चर वगैरह है वो लोग नहीं फिलअप कर सकते बी एस सी हॉर्टिकल्चर है नहीं फिलअप कर सकते आपका यहाँ पर बी एस सी बायोटेक है नहीं फिलअप कर सकते लेकिन अगर आपके पास बी एस सी एग्रीकल्चर रेगुलर है विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स यानी कि जनरल के लिए ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यू एस के लिए लेकिन एस सी और एस टी के लिए आपका फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स की क्या की गई है डिमांड की गई है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है यहां अगर हम देखते हैं तो इस पोस्ट के लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा और क्या इसके अंदर आपका अब देखो सबसे पहले एक आपको बता दूं कि पोस्ट के लिए आपका फीस कितना है तो फीस यहां पर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई भी पोस्ट आपकी फिलअप कर रहे हो दो सौ और प्लस में अगर कोई बैंक आपका चार्ज करता है तो पांच दस रुपए और मान लीजिए दो सौ दस पंद्रह में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो सभी लोग फॉर्म कर देना जिनके पास एग्रीकल्चर है आपके पास एक अच्छा मौका है डीए वंस अगर आप लोगों ने बी एस किया हुआ है बी एस कंप्लीट हो चुका है तो इस पोस्ट को हर हालत में हमें फिलअप करना है डोंट वरी मैं आपको वो भी गाइड करूंगा कि अभी आपका सिलेबस क्या आएगा प्रिपरेशन कैसे करना है लेकिन रुकिए दो मिनट इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो अगला आपका यहां पर जो है आ, रिजर्वेशन वगैरह का आ गया है इसके बाद तो। इसके बाद 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 तो अगर देखा जाए देखो मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं ताकि आपको बाद में यह ना देखना पड़े कि नोटिफिकेशन में कौन सी चीज कहां थी आप डायरेक्टली जाओ और उस चीज को देख सकते हो तो सबसे पहले इसके अंदर एक आपका सिलेक्शन मेथडोलॉजी है तो इसमें सबसे पहले आपका अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए याद रखना इक्कीस तारीख से लेके दस तारीख महीना आपका नवंबर नवंबर तक आप हो एक बताता आपको। सुनो पहले, इस में आपका वेबसाइट के ऊपर जाना है नेशनल फर्टिलाइजर्स डॉट कॉम के ऊपर इसमें आपको करियर पे करियर के अंदर अगर हम देखें तो आपका यहां पर रिक्रूटमेंट के ऊपर रिक्रूटमेंट इन एनएफएल एन और उसके बाद रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीटिव इन मार्केटिंग और उसके बाद इसको आप अप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद और लास्ट याद रखना ये टाइम आपका कब है डेट कब है लास्ट आपकी यहां पर तो ये देख लीजिएगा आपका 11 सॉरी 10 तारीख आपका नवंबर जो है उस, ती, उस दिन आपका लास्ट डे है इसके लिए और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो याद रखना आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह प्रूफ ये ध्यान रखना कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं ध्यान से देख लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ आपका जो प्रूफ यानी कि टेंथ की मार्कशीट आपकी जो होती है वो अपलोड करनी पड़ेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो डिग्री सर्टिफिकेट है आपको वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा ठीक है कास्ट यानी कि एस सी जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको ईडब्ल्यू आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको डेफिनेटली जो है वो पीडब्ल्यू का हो कोई भी हो ना तो वो आपको अप्लाई करना आ, डालना पड़ेगा उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ की फॉर्म में आपका आधार कार्ड आपका पासपोर्ट कोई भी हो सकता है या फिर इलेक्शन कार्ड फोटोग्राफ फोटोग्राफ आपका जो है और साइज देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट सारे के सारे टू हंड्रेड केबी में होने चाहिए लेकिन आपकी फोटो पचास केबी में होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए ये भी देख लेना क्योंकि कई बार बच्चे बाद में मैसेज करते हैं कि सर मेरी फोटो अपलोड नहीं हो रही यार फोटो अपलोड नहीं हो रही ये चीज ध्यान से देख लिया करो इसके अंदर लिखा होता है कि पीडीएफ में अपलोड करना है साइज कितना अपलोड करना है अगर वो साइज प्रॉपर है पीडीएफ प्रॉपर है तो डेफिनेटली वो आपका अपलोड हो जाएगा और सिग्नेचर भी आपको ट्वेंटी के अंदर अपलोड करने हैं ठीक है थीके? इसी के साथ आपका आ, अगर हम बात करते हैं इसमें तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा अब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसके अंदर क्या क्या आएगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है तो वो चीज हम आपको यहां पर बता देते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा देखिए डियर ये रहा ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू पार्ट इसके अंदर क्या होंगे दो पार्ट होंगे कि पार्ट दो होंगे क्या बोला गया एक आपका डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट होगा और एक आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड पार्ट होगा डिसिप्लिन का मतलब होता है जिसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है जैसे ऊपर वहां पर आपका था कुछ इंजीनियरिंग वगैरह के थे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए नहीं थे जो बाकी डिग्रीज होती है इंजीनियरिंग में उन लोगों के लिए थे लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर है क्या डिसिप्लिन रिलेटेड यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ था जो सब्जेक्ट पढ़े हुए उसमें आपका सेम अगर आप लोगों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रिपरेशन कर रखा है ए एफ का प्रिपरेशन कर रखा है नाबार्ड का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो आपका सिलेबस कहीं ना कहीं सेम रहने वाला है इसके अंदर क्या आएगा मेनली जो फोकस किया जाएगा एगोनॉमी पार्ट सोयल पार्ट आपका सीड पार्ट या फिर अगर जो फर्टिलाइजर और मेन्यूर्स का जो पार्ट है उसके ऊपर और प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर इसमें फोकस किया जाएगा विद इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन विद इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन के ऊपर फोकस किया जाएगा प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा और इसमें आपका एग्रोनॉमी सोयल साइंस तो डेफिनेट पार्ट रहेगा सीड टेक्नोलॉजी भी पार्ट रहेगा विद प्लांट फिजियोलॉजी ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं जिन्हें आप लोगों को पढ़ना है मैं दोबारा बता दूंगा डोंट वरी लेकिन पहले सुन लीजिए कि पहले इसके अंदर क्या होगा एक आपके दो मतलब टेस्ट एक ही होने वाला है लेकिन एक टेस्ट के अंदर आपकी दो चीजें होने वाली है एक डिसिप्लिन रिलेटेड और एक आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड ठीक है तो इसमें आपका मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी भी यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे ठीक है राजभाषा रहेगी इसके अंदर हिंदी और आपका इंग्लिश दोनों में टेस्ट होगा और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी टू आवर 120 मिनट का टेस्ट होगा और इसमें आपका यहां पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150 ठीक है 150 क्वेश्चंस रहेंगे आउट ऑफ विच 100 वुड बी फ्रॉम ए मिक्स ऑफ कोर्स कोर्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी एजी है उसमें से 100 क्वेश्चन लिए जाएंगे और 50 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल इंग्लिश यानी कि इसमें इंग्लिश आएगी इसमें आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा रीजनिंग रहेगी जनरल नॉलेज रहेगा यानी कि जनरल अवेयरनेस भी रहेगा तो ये आपका यहाँ पर पचास क्वेश्चन इन तीनों में से आने वाले हैं इंग्लिश सॉरी इन चार में से इंग्लिश क्वांट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी कि गाइस और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कोई भी यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है अगर आपने गलत कर दिया तो कोई भी आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी और नेक्स्ट यहां पर क्या है कि आपका मिनिमम uh, ठीक है ये हो गया इसके अंदर आपका मेन यही चीज थी डियर वंस बी आपका बीएससी एजी के अंदर जो आपने पढ़ा है और उसमें भी क्योंकि देखो प्रीवियस एग्जाम्स को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपका फोकस किया जाएगा मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपका एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी के अंदर जो आपका क्रॉप रहता है ठीक है दूसरा अगर हम बात करें तो सोयल साइंस आपका इंपॉर्टेंट रहेगा उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा तीसरा इसके अंदर जो सीड टेक्नोलॉजी है और प्लांट फिजियोलॉजी है उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा और फोर्थ अगर हम बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा डीएंस और उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं यहां पर प्लांट फिजियोलॉजी के बाद इकोनॉमिक सोयल साइंस प्लांट ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी के साथ आपका अगर हम देखें तो सिक्स नंबर पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स ठीक है इसमें इन पार्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा ठीक है यहां से इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए जाएंगे इसमें मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ेगा ठीक है वो पोर्शन आपका काफी इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए पोस्ट नहीं है डियर अरे पोस्टिंग कहां होगी पहले ले तो लो पोस्टिंग तो बाद में करोगे ये मतलब आप लोग तो मतलब वो होते हो कि सर पोस्टिंग तो शायद मैं अब भर दिया फॉर्म तो होने वाली है तो वो कहीं भी हो जाए यार बेरोजगारी का माहौल है आज देश के अंदर इतनी बड़ी मतलब आज मान के चलिए एक आर्मी वाला है वो उसको बेचारे को पोस्टिंग कहां होती है यार कभी जम्मू कश्मीर डाल देते हैं कभी आपका केरला डाल देते हैं कभी वो लोग उफ तक नहीं करते हैं तुम मतलब पता नहीं कौन सा लेवल है तुम लोगों का समझ में नहीं आता है तुम लोग है ना गुस्सा मत मानना रियलिटी है ये हमारी ठीक है तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रुप सी की नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर की पोस्ट है उसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर हम बात करें तो बाकियों के अंदर क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है और आई थिंक सो इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी हो सकता है इसको कहीं ना कहीं यहां पर आ, देखो यहां पर साफ लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के बाद उनका क्या होगा वहां पर डॉक्यूमेंट टेस्ट जो हो गए डॉक्यूमेंट जो होंगे वो क्या किए जाएंगे आपका वहां पर डेफिनेटली चेक किया जाएगा आ, Each semester, 60, नहीं 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 ईच सेमेस्टर का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर आपका केवल क्या है एक ही चीज है वो ये है डियर कि डेफिनेटली आपको हंड्रेड परसेंट सिक्सटी परसेंट जो आपके मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल ठीक है और इसके बाद क्या पूछा गया सर कि एफ डब्ल के लिए हम कोई भी आपका कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे जिस दिन मैंने आपकी वैकेंसी के बारे में डिस्क्राइब किया था उस दिन आपको बता दिया था और ये तो भाई सीधी सी बात है मैं फिर बोलता हूं आपको जिन लोगों ने एफ का पढ़ रखा है अलग से कोर्स नहीं होता महान आत्माओ मैं आपको बार बार बोलता हूं सुनो मेरी बातें मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूं यार आज मतलब कहते ना जब आप लोग मतलब इतने वो हो भोले इंसान हो आपको कोई भी ठग लेता है है ना कोई भी आपको ठग लेके चला जाता है देखो डियर वंस मैं बार बार बोलता हूं आपको लाइफ में कोचिंग एक ही बार रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ठीक है लेकिन कोचिंग के अंदर क्या है क्या चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनो इसके अंदर क्या है कि आपका सबसे पहले क्या है यहां पर कि एग्रीकल्चर जब आपके पास है और एग्रीकल्चर में अगर आपके पास डिग्री की हुई है और उसके बेस पे अगर आप वैकेंसी फिलअप कर रहे हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है कि एग्रीकल्चर के अंदर डेफिनेटली एग्रोनॉमी तो रहेगा ही रहेगा एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी क्रॉप से तो आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे दूसरा एग्रोनॉमी से कोरलेट करते हुए मैंने बार बार बोला है क्योंकि एग्रोनॉमी के अंदर आपका क्या होता है क्रॉप होते हैं एग्रोनॉमी के अंदर क्रॉप को जब स्टडी करते हैं तो उसमें क्लाइमेट को स्टडी करना पड़ता है यानी कि एग्रोमेट को स्टडी करना पड़ेगा उसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा उसके अंदर आपका यहां पर जब भी हम बात करते हैं तो एग्रोनॉमी को स्टडी कर... सॉइल को स्टडी करने के बाद अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपका सॉइल को भी देखना पड़ेगा क्लाइमेट को भी देखना पड़ेगा एग्रोमेटोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी सीड टैक इनको हमें देखना पड़ेगा प्लांट पैथोलॉजी प्लांट आपका एंटोमो लॉजी इनको भी देखना पड़ेगा तब जाके हमारा यहां पर क्या होता है कि ये आपका एग्रीकल्चर का बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्जाम के अंदर वहां पर डिपेंड करता है जैसे एन की पोस्ट आई है तो इसमें ब्रीडिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा एक्सटेंशन पे फोकस किया जाएगा इकोनॉमिक्स पे फोकस किया जाएगा जो आपका ए होता है उसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया था लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन लेकिन जैसे एडीओ है तो एडीओ में क्या होगा मेनली आपका फोकस किस पे किया जाएगा जो आपका एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर फोकस किया जाएगा विद रिलेट टू आपकी क्रॉप

मतलब नहीं होना चाहिए एग्रोनॉमी के अंदर चाहिए आपका एडीओ बनना हो एसडीओ बनना हो कुछ भी आ जाए हॉर्टिकल्चर पढ़ ली तो कुछ भी आ जाए कहीं से आ जाए तो आपको आंसर आना चाहिए समझ में आया तो ये होता है डियर इसको इस प्रकार से स्टडी करो अपना स्टडी का लेवल चेंज करो यार आप लोग मतलब आप लगातार क्या करते आ रहे हो रटते आ रहे हो हर चीज को ये रटने वाला कॉन्सेप्ट बंद कर दो जब तक रटने वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तब तक बार बार मन में डर रहेगा डर किस बात का है मुझे बताओ अपने पास्ट के अंदर अगर आपने फेलियर को फेस किया है तो डेफिनेटली आप लोग यहां पर इतनी चीज को समझिए कि आपका फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए आपके फेलियर से आपको सीख आनी चाहिए ठीक है और आने वाली जो आपने जो पीछे वाली गलतियां की है उनसे आपको सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए है ना चलिए उसके बाद क्या है ऑल स्टेट आर एलिजिबल अरे यार एन की पोस्ट है तो उसमें डेफिनेटली आपका ऑल स्टेट तो एलिजिबल होगा ठीक है मतलब ये महान लोग हैं सारे के सारे ठीक है क्या बताएं अब आपको ए के लिए एग्रीकल्चर कहां से करने चाहिए सर एग्रीकल्चर के लिए अब सर मैं तो क्या बताऊं? हमारी खुद की कोचिंग है मैं कहां बोलूंगा कि किसी और से करना चाहिए <laughs> है ना चलिए मजाक कर रहा हूं देखो डियर जहां पे आपको बेस्ट लगे जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो वहां से पढ़ना चाहिए इसके अलावा कोई नहीं होता है ना एक टीचर आपको जो समझा सके वही आपके लिए बेस्ट है चाहे कोई भी हो यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसने कुछ भी कर रखा हो इससे मैटर नहीं करता लेकिन वो लोग अगर आपको आ, अच्छे से समझा सकता है वो आपका टेंथ पास भी है लेकिन उस एग्रीकल्चर को आपको डिस्क्राइब अच्छे से कर सकता है तो आपका बेस्ट टीचर है इतना जानता हूं मैं है ना जो उसमें एग्जाम में आने वाले टॉपिक को आपको अच्छे से समझा सकता है कि कहां से आएगा वो आपके लिए बेस्ट टीचर है उसके अलावा कोई बेस्ट नहीं होता क्योंकि देखो उस पर्सन की जॉब लगी है वो आपको जॉब नहीं दिलाने वाला उस पर्सन के अंदर आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उस एग्जाम को अंडरस्टैंडिंग करवाने की वो आपको जॉब दिलाने वाला है क्योंकि आपको वहां पर खुद रास्ता तय करना है रास्ता बता सकता है कभी भी कोई रास्ता आपको यहां पर यह नहीं कर सकता ठीक है तो डेफिनेटली डियर वंस आपका अगेन कोई क्वालिफाइंग मार्क्स वाला कुछ क्राइटेरिया अरे कुछ नहीं है मेरे भाई आपका केवल मार्क्स सीधी सी बात है इंटरव्यू हो जाएगा पहले आपका टेस्ट होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा ठीक है मार्केटिंग का काम है तो डेफिनेटली मार्केटिंग करवाएंगे भाई आपसे ठीक है चलिए तो वंस आप डेफिनेटली अपनी मेहनत करिए जहां भी आपको रिक्वायरमेंट हो हमारी हम आपकी हेल्प करेंगे और